दुनिया के बेहतरीन वैज्ञानिक लगभग पिछले 7 महीनों से कोरोना वायरस महामारी का इलाज ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो अभी तक इसमें कामयाब नहीं हुए। कोविड-19 की दवा खोजने के लिए मानो जैसे एक होड़ चल रही हो। दुख की बात है कि असल उपाय के लिए कोई भी भारतीय राजनेताओं की बात नहीं सुन रहा। हमारे नेता अपनी ही एक रेस में लगे हुए हैं, वायरस के सबसे अवैज्ञानिक और अजीब इलाज इजाद करने की रेस। शोर मचाकर वायरस को भगाने से लेकर शराब पीकर इससे लड़ने और पापड़ खाने तक सारे सुझाव हमारे नेता दे चुके हैं। आइए देखते हैं इनमें से कुछ चुनिंदा उपाय। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले पहले मंत्री थे जिन्होंने फरवरी में ही वायरस के खिलाफ युद्धनाथ छेड़ दिया था। अठावले का यह वीडियो अब काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वे मुंबई में चीनी कौंसल जनरल और बौद्ध भिक्षुओं को नेतृत्व करते हुए गो कोरोना गो का मंत्र जाप कर रहे हैं। उन्होंने बाद में यह भी दावा किया है कि उनके द्वारा दिया गया गो कोरोना गो का नारा अब पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। मार्च के शुरू में असम में बीजेपी विधायक सुमन हरिप्रिया ने यह दावा किया कि गौमूत्र और गोबर के सेवन से कैंसर और यहां तक कि कोरोना वायरस जैसी जानलेवा बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं। उन्होंने कहा, हम सब जानते हैं गोबर बहुत फायदेमंद है। इसी तरह जब गौमूत्र का छिड़काव किया जाता है तो वो उस जगह को पवित्र कर देता है। मेरा विश्वास है कि कोरोना वायरस के इलाज में भी इसी तरह गौमूत्र और गोबर का प्रयोग किया जा सकता है। इस बात में कोई भी अचंभा नहीं होना चाहिए कि हरिप्रिया जी के इस बयान के कुछ दिनों बाद ही अखिल भारतीय हिंदू महासभा की ओर से दिल्ली में एक गौमूत्र सेवन का कार्यक्रम आयोजन किया गया। It happens only in India. जिस समय दुनिया भर में 8,000 लोग कोरोना वायरस के कारण मारे जा चुके थे, उस समय केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अश्विनी चौबे ने कोरोना वायरस से बचने का एक सुझाव दिया। जब उनसे इस वायरस के फैलने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा, जो 11 बजे से 2 बजे तक सूर्य की किरण बहुत मतलब कहते हैं धूप ज्यादा रहता है, तो हम लोगों को थोड़ा 10-15 मिनट क्यों ना हो सब लोग धूप अगर सेकते हैं तो उससे एक लाभ भी होगा। मैं उससे विटामिन डी को, जहाँ विटामिन डी हमको शरीर में मिलता है, हमारी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है और साथ साथ ऐसे वायरस समाप्त होते हैं, कोई भी प्रकार का वायरस वो समाप्त होता है, इसलिए धूप का सेवन भी करना चाहिए। It happens only in India. हाल ही में कर्नाटक के उल्लाल नगर पालिका में कांग्रेस के पार्षद रविचंद गट्टी ने अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों को रम पीने और हाफ फ्राइड अंडे खाने की सलाह दी। रविचंद गट्टी अपने वायरल हुए एक वीडियो में कहते दिखे कि 90 ml रम में एक छोटा चम्मच पीसी काली मिर्च डालकर उसे अपनी उंगली से अच्छी तरह मिलाएं और पिए। कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए 2 हाफ फ्राइड अंडे खाएं। It happens only in India. जब क्या पीना है तय कर दिया गया तो आइए खाने की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भाभी जी पापड़ का लॉन्च इस दावे के साथ किया है कि यह कोरोना वायरस को भगाने में कारगर है। इस पापड़ के लॉन्च के वीडियो में बीजेपी सांसद मेघवाल भाभी जी पापड़ के 2 पैकेट पकड़े हुए यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भाभी जी पापड़ नाम से एक पापड़ निर्माता ने एक ऐसा ब्रांड निकाला है जिससे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी डेवलप होने के लिए जो साधन है खाने के माध्यम से बॉडी में जाएंगे और कोरोना के वायरस की लड़ाई में ये पापड़ मददगार साबित होगा। It happens only in India. इस पूरी रेस में प्रज्ञा सिंह ठाकुर कैसे पीछे रह सकती थी। शनिवार को उन्होंने लोगों से अपील की कि वे 5 अगस्त तक दिन में 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें।
उन्हें विश्वास है कि इससे दुनिया में फैली कोरोना वायरस महामारी का अंत हो सकता है। उनका दावा है कि जब देश भर के हिंदू एक आवाज में मंत्रोच्चार करेंगे तो कोरोना वायरस मानो खत्म हो जाएगा। समस्त हिंदूगण जब इस अनुष्ठान को करेंगे तो एक स्वर में गाया हुआ हनुमान चालीसा का पाठ निश्चित रूप से सिद्ध होगा और हम कोरोना से मुक्ति पाएंगे। It happens only in India. हमारे प्यारे नेताओं के इतने अनोखे और उत्तम सुझावों को देखकर इस बात में कोई अचंभा नहीं होता कि भारत कोरोना वायरस के मामलों से कितनी भली भांति लड़ रहा है। देखिए ना, देश में बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बढ़ते कोरोना के नंबरों को।